कुनकुरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खरवा टोली का नेत्रहीन हितग्राही पेंशन के लिए जनपद का चक्कर काट रहा है। वही नेता और अधिकारियों के दफ्तर के 10 महीने से वह चक्कर काट रहा है। सूरदास को 10 महीनों से पेंशन नहीं मिलने पर वह मजबूर होकर कुनकुरी आया हुआ था, किंतु अधिकारी नहीं मिलने पर वह एक दो महिलाओं की मदद से बस स्टैंड में बस के इंतजार में बैठा मिला। सूरदास श्याम सुंदर यादव ने बताया कि वह काफी परेशानी से कुनकुरी आया था और साहब से मुलाकात नहीं होने के कारण वापस जा रहा, क्योंकि एक ही बस उनके घर की तरफ जाता है, छूटने पर दूसरा बस नहीं मिलेगा। सरपंच सचिव का कहना है कि पेंशन पैसा आपके खाते में आएगा, लेकिन 10 महीने से बैंक रोज जा जाकर थक गया है। सूरदास श्याम सुंदर ने कहा, हमको हमारा पेंशन दिला देते तो मेहरबानी होती। एक ओर सरकार कहती है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी शासन की नीति की योजना का लाभ मिलना चाहिए, पर धरातल पर इसकी वानगी और सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है। इस तरह का वाक्य सिर्फ खरवा टोली पंचायत में नहीं है, बल्कि जिले के कई पंचायतों में कमोबेश पेंशन का मामला काफी मात्रा में है। आखिर उन गरीबों और लाचार लोगों का क्या कसूर है और दोषी कौन है? नहीं मिला है भाई, 10 महीना हो गया है। अच्छा, कौन है सरपंच, जानते हैं आप? नाम को तो उसका मालूम नहीं है, लेकिन खरवा टोली में रहते हैं उन लोग। खरवा टोली पंचायत है? हाँ। 9-10 महीने से नहीं मिला है? हाँ, नहीं मिला है। अभी जाने तो गाड़ी चुक जाएगा बोल के फिर चले आए। ये गाड़ी छूटने का बाद फिर कौन गाड़ी मिलेगा बोल के, इसीलिए ब्लॉक ऑफिस आए थे। हैं? इसीलिए यहाँ आए थे। हाँ। क्या बोलता है सरपंच? हाथ में अब नहीं आता है बाबा, अभी खाता में आएगा। अब क्या बोला, खाता में तो चेक करवा देखे मिलते, मैंने अभी नहीं किए हैं बोलते हैं बैंक वाले, मैंने डलावे नहीं किया है आपका खाता में बोले। वी टाइम न्यूज के लिए जशपुर से अलाउद्दीन राही की रिपोर्ट।